तो ठीक हो सब यार? मैं ये वीडियो छत पे खड़ा होकर बना रहा हूँ, तो अगर कोई तुम लोगों को वॉइस या फिर कोई नॉइस नज़र आ रही है ना, नज़र आ रही है मतलब कोई सुनाई दे रही है ना, तो यार प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि अब तुम लोग मुझे पूछोगे कि तुम छत पे खड़े होकर क्यों बना रहे हो। तो यार इसका एक ही जवाब है, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और अगर मेरे घर वालों ने देख लिया मुझे वीडियो बनाते हुए तो चप्पलों से करेंगे मेरा स्वागत। तो आओ यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो दिन ही प्रेमियों का है, इस या लव डे कह रहा हूँ, इट्स अ लव बर्ड्स डे। हाँ मैं बात करने जा रहा हूँ वैलेंटाइन्स की। तो आओ यार शुरू करते हैं ब्रो। हर वैलेंटाइन की तरह इस वैलेंटाइन भी मैं मुठियाँ पेल रहा था, लेकिन अब यार मैं मुठियाँ पेल पेल के थक गया हूँ, इस बार तो बच्ची फंसानी है। तो इसलिए यूट्यूब पर ये सर्च किया, हाउ टू प्रपोज अ गर्ल, और मेरे सामने ये आया, इसको देखो। इसको देखने के बाद ना मेरे पास बचियां ही बचियां आ गईं। देखना चाहोगे तो आओ फिर शुरू करते हैं, देखो तुम लोग। ले पाओ। क्या बात, आजकल तेरे पास कोई प्रपोजल नहीं आया? अरे यार कितने आए क्या बताऊं, अभी 5 मिनट और रुकी ना तो फिर आने लगेंगे। अच्छा जी, बहुत प्यारी है ना ये, तो मैं यार इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला, आगे देखो। वो देख एक और आ रहा है, लगता है ये भी प्रपोज ही मारेगा। ओहो, प्रपोज, ये भोसड़ी का प्रपोज मारेगा? अबे जा पहले मुठिया मार, अब देखते हैं हमारे राजा जी प्रपोज कैसे मारेंगे। हाय। Not interested. ओहो, हमारे राजा जी की तो बेइज्जती हो गई। तू कहाँ से आई है? घर चल, लेट हो रहा है। रुक जा, एक दो और लफंडर आने दे, उनकी और बेइज्जती कर लूं, फिर चलेंगे। तुम्हें जो मैंने देखा। ओहो, ये आया हमारे हीरो, साले की शक्ल तो देखो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में, साले। तुम्हें जो मैंने जाना। ले तेरी बात सच हो गई, एक और आ गया। साले पेशाब आया हुआ, ऐसा प्रेशर तो मुंहते वक्त ही आता है, देखो जरा। जो आम इंसान होते हैं ना वो ऐसे प्रपोज मारते हैं, लेकिन हमारे हीरो साहब भोसड़ी के पेशाब के जोर में प्रपोज मारते हैं। हेलो मैडम जी। Not interested. अरे एक बार चलो तो साथ में, इंटरेस्ट भी आ ही जाएगा। Excuse me, I have a BF. ये जो चिपमंक्स वाला इफेक्ट आया ना, ये मैंने नहीं डाला, ये इन्होंने खुद ही डाला। Naughty America. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। परदेसी राज कंप्यूटर से तेज दिमाग। वाह भाई वाह, तेरी शक्ल से ही लग रहा है साले कंप्यूटर बनाने वाले का बेटा लग रहा है। गया एक और नौटंकी। वन फाइव थ्री टू वन सिक्स नाइन एट, ये शायद तुम्हारी मम्मी का नंबर है ना? हाँ ये तो आंटी का नंबर है। हाँ है मेरी मम्मी का नंबर। तो एक मिनट, तो साले ये नंबर तेरे पास कैसे आया? लगता है बेटी को फंसाने से पहले माँ के साथ चक्कर था। दया कुछ तो गड़बड़ है। तो Excuse me, I have a BF. साले तूने बिल्कुल मुंह से जोर कर वीडियो बनाई है, और कोई भी लड़की अपने BF का बताते वक्त वीडियो नहीं बनवाती, और देखो पूरा कैमरे में ही देखकर डायलॉग बोल रही है मैडम ने। मैडम ने पूरा कैमरे में ही देखकर डायलॉग बोला है, आई हैव अ BF, मेरी वीडियो बनाओ और मेरी माँ को दिखाओ। चलो ठीक है, शाम तक ये वीडियो तुम्हारी मम्मी के फोन पे पहुंच जाएगी, ठीक है बाय। अरे यार ये क्या है? अरे यार अब क्या करूं मैं, एक आईडिया है। बाय बाय को बम बम टम। अरे सुनो। हाँ बताओ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार। अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी यार, I love you too. ये इफेक्ट भी मैंने नहीं डाला।
अच्छा आओ फिर चल। ए ए रुक जा, थगलाइक मत बोलियो, थगलाइक मत बोलियो। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। अबे बावली गांड, इसे खलनायक नहीं इसे बोसड़ी वाला कहते हैं। जी हाँ मैं हूँ बोसड़ी वाला। अब यार सारी बकचोदी को रखते हैं साइड पे और आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वैलेंटाइन पर। देखो यार इस दुनिया में ना वैलेंटाइन से 7 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि पूरे 7 दिन बकचोदी पे लेंगे। पहला दिन रोज डे यानी कि गुलाब डे, मतलब कि आपको अपनी वाली को गुलाब देना है। चलो यार गुलाब तो मान लिया, वैसे मानने में नहीं आता लेकिन मान लिया, दिल पर पत्थर रख के मान लिया। सेकंड डे प्रपोज डे। अब जब गुलाब दिया है तो प्रपोज क्यों नहीं किया। नेक्स्ट थर्ड डे चॉकलेट डे, मतलब पूरा साल चॉकलेट नहीं खानी है और इस दिन चॉकलेट खानी है। क्यों क्यों। नेक्स्ट डे फोर्थ डे टैडी डे, इसकी माँ का टैडी। अबे भाई 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 भाई। नेक्स्ट डे फिफ्थ डे प्रोमिस डे, इस दिन हमें प्रोमिस करना है कि अगले 2 दिन तक ऐसे ही बकचोदी चले रहेगी। नेक्स्ट डे दी हग डे, मतलब क्या है यार ये, इस दिन हमें इकट्ठे हगना है। अबे बहुत सड़े गए, हग दे गले लगाना। ओहो हो सॉरी शमशेर भाई, सॉरी माय मिस्टेक। नेक्स्ट किस डे, मतलब किस डे, चुम्मा चुम्मा दे दे। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट फाइनल वैलेंटाइन डे। फाइनली द वैलेंटाइन डे आ गया। ये दिन पता नहीं लोग क्यों मनाते हैं। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि साले जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं ना होती वो ऐसी वीडियो बना रहे हैं, क्या हो गया यार, अगले साल बना लूँगा ना यार, तुम लोग बच्चे की जान लोगे क्या, रुला दिया यार, मैं टट्टी करने जा रहा हूँ यार। तो यार ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अभी रुको रुको रुको, अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बस मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये क्या है, नहीं ये क्या है, वो सिर्फ आँख मार रही है ना, कोई तुम्हें प्रपोज तो नहीं कर रही। क्या क्या नाम क्या है इसका, प्रिया प्रकाश वॉरियर। वॉरियर आर यू सीरियस वॉरियर। अब मैंने तुम लोगों से अपनी पहली वीडियो में कहा था कि जैसे लोगों के हाथ में कोई बस चीज़ आ जाए रगड़ के रख देंगे। वेल इसके साथ भी वही हुआ, इसको भी लोगों ने सही रगड़ा, बल्कि 1 दिन में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए ऑन इंस्टाग्राम। लोग इस पर मीमे बना रहे हैं और कोई कोई तो मेरे रश के कमर बना रहा है और इस पे। और किसी को यार मैं क्या कहूँ, मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूँ, ऐसे बकचोद लोग इस दुनिया में क्यों हैं, ऐसे बकचोद लोग क्यों हैं। किसी किसी लोगों पर इससे प्यार हो गया है यार, प्यार हो गया। वैसे यार लड़की तो प्यारी है यार। मेरी रश की कमर तूने पहली नजर। कंट्रोल जे कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। एनीवेज गाइस, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और सब्सक्राइब करो। मुझे वैलेंटाइन डे पर ये लाल गिफ्ट चाहिए और ये वक्ती तौर रिश्ते को ना साइड में रखो और इनको लड़कियों को फंसाना छोड़ दो। यू बॉयज सुन रहे हो मेरी बात, ये वक्ती तौर रिश्ते ना मत रखो। यही जो तुमने वैलेंटाइन डे पे इतने महंगे टैडी टूडी चॉकलेट देने हैं, यही अपनी मामा यही अपनी बहन को जाकर दो, देखना उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आएगी तुम खुश हो जाओगे। एक बारी देकर तो देखो, कभी गिफ्ट दिया है उनको, जाकर उनको एक बारी गिफ्ट दो और उनके चेहरे पर खुशी लाओ। मैं ये नहीं कहता तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बनाना छोड़ दो, उनको भी दो, लेकिन माँ बाप को तो यार दो, वही तुम्हारा वैलेंटाइन है, वही तुम्हारा सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखेंगे और खुश रखते थे। तो
दे के देखो एक बार गिफ्ट, जो मुस्कुराहट आएगी ना उनके चेहरे पर, खुश हो जाओगे तुम। तो बस मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठियाँ पेलनी हैं, बाय। शेरू, अबे कुत्ते कब से मुठियाँ मारने लगे?